नमस्कार, मैं हूं आचार्य बिजू शर्मा और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्योतिष ज्ञान में। मित्रों, जैसा कि कल हम सभी लोगों ने देखा है, उद्धव सरकार के द्वारा जो गतिविधि कल कंगना रानावत के घर पर की गई, ये कितनी निंदनीय है हम सभी लोग भली भांति समझ रहे हैं। ये क्यों किया गया है ये भी हम सभी लोगों को अच्छे से पता है। जो स्टेटमेंट कंगना रानावत ने दिए, उससे पहले मुंबई के ऊपर बहुत से लोग ऐसी बातें कह चुके हैं कि हम मुंबई के अंदर सेफ नहीं है, मुंबई सेफ नहीं है, ऐसी बहुत सी बातें अन्य लोग कह चुके हैं, किंतु उनके ऊपर शिवसेना ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। इनके ऊपर क्यों लिया गया है ये भी आप सभी लोगों को अच्छे से पता है, क्योंकि इन सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि यदि इस महिला को डरा धमका कर बैठाया ना गया तो ये हमारे बहुत से बड़े बड़े राज खोल देगी। किंतु इन लोगों को ये नहीं पता कि ये झांसी की रानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां पर इसको कोई भी रोक नहीं पाएगा। आप सभी लोगों को याद होगा, आपसे 3-4 दिन पहले ही मैंने आपको एक वीडियो बनाकर दिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कंगना रानावत की कुंडली के ग्रह योग, उनके सितारे क्या कह रहे हैं। मैंने आपको बहुत स्पष्टीकरण में बताया था, पिछले काफी लंबे समय से ये महिला अकेली लड़ रही थी, किंतु अब पूरा देश इस औरत के पीछे खड़ा हुआ पाया जाएगा। उनमें से बहुत सी गतिविधियां आप अभी भी देख रहे हैं और आगामी समय में इसे और अच्छे ढंग से देख पाएंगे। उद्धव सरकार के द्वारा जो कल गतिविधि करवाई गई है, ये इनके गले में कांटे की तरह फंसने वाली है, ये मैं आज आपको बता रहा हूं। पहले भी आप सभी लोगों को याद होगा, 5-6 महीने पहले ही मैंने आपको एक वीडियो बनाकर दिया था जिसमें मैंने बताया था सेप्टेम्बर अक्टूबर के आसपास के अंदर उद्धव सरकार के द्वारा कुछ इस प्रकार की गतिविधियां की जाएगी जिनसे इनको स्वयं से ही अपना पद छोड़ना पड़े, और वही स्थिति अब सामने प्रकट होने लगी है। इन्होंने कल जो कानून का उल्लंघन कर पूरे मुंबई, पूरे महाराष्ट्र को यह साबित कर दिया है कि हम गुंडे हैं और गुंडा राज ही यहां चलने वाला है, इसे जनता बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। और दूसरी तरफ से जो कंगना रानावत की कुंडली के ग्रह सितारे बोल रहे हैं, वो इनको इतना बुरी ढंग से बीट करती हुई पाई जाएगी कि ये अपने पद को संभाल ही नहीं पाएंगे। जनता बिल्कुल विरोध में खड़ी हो जाएगी। जिस जनता ने इनको वोट देकर एक मुख्यमंत्री के पद पर बैठाया, वही जनता बड़ी शीघ्रता से इनके विपक्ष होती हुई दिखाई देगी, इसमें भी किसी प्रकार का संकोच नहीं है। कल कंगना रानावत के घर के अंदर जो तोड़फोड़ की गई है, इसका खामियाजा भी इनको भुगतना पड़ेगा, उसे सही कराने की स्थिति भी इनको बनाकर देनी पड़ेगी। म्युनिसिपैलिटी के अधिकारी भी यहां सस्पेंड होते हुए पाए जाएंगे। जो 40-50 पुलिस वाले जिनमें जो अधिकारी थे वो भी यहां पर सस्पेंड होते हुए पाए जाएंगे, इसे भी आप देख पाएंगे। जिस प्रकार की गतिविधि कल इनके द्वारा की गई है ये बिल्कुल निंदनीय है, ये हम सभी लोग जानते हैं, किंतु इसका बहुत बड़ा खामियाजा शिवसेना को उठाना पड़ेगा, इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है। और ये डेट बता रहा हूं 15 अक्टूबर के पश्चात इस सेना के पास में बहुत बड़ी गति इनके विपरीत जाने वाली है, ये डेट नोट कर लीजिएगा। एक बहुत ही साधारण सा टॉपिक था कि सुशांत सिंह राजपूत को कंगना रानावत न्याय दिलाना चाह रही थी, किंतु उस न्याय के पीछे कितने लोगों के चेहरे सामने आने वाले हैं उससे बौखलाकर शिवसेना ने यह कार्य किया है, और यह कार्य इनके ऊपर बड़ा ही भारी पड़ता हुआ दिखाई देगा। ये मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था, आज फिर से बता रहा हूं, आप आगामी समय में इसे सत्य होता हुआ भी पाएंगे। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल ऐसी ही एक और रोचक जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।